मेरा नाम अनुपमा चौधरी और रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आप जो भी चाहे वो सभी आपको मिल जाए। तो चलिए आज मैं आपको न्यू ईयर पार्टी मेकअप बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला लुक तैयार किया। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से फेस वॉश से वॉश करेंगे। मैंने अभी अपने फेस को ये एश्योर कंपनी का फेस वॉश है इससे वॉश किया है। उसके बाद हम अपने फेस को क्लिंजिंग मिल्क से बहुत अच्छी तरह से साफ करेंगे और फिर एक गीली कॉटन से हम उसको साफ कर देंगे। मैंने अभी अपने फेस पे जोविस कंपनी का क्लिंजिंग मिल्क से अपने फेस को क्लीन किया है। उसके बाद टोनर हम जरूर अप्लाई करेंगे। टोनर के लिए मैंने ये फेसेस कंपनी का हाइड्रो टोनर यूज किया है। इसको हम अपने फेस पे स्प्रे करेंगे और उसको 5 से 10 रहने देंगे। उसके बाद फिर हम मॉइस्चराइजर करेंगे। मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे लगाएंगे, 2 मिनट उसकी हल्के-हल्के मसाज करेंगे। उसको हम फिर कॉटन से क्लीन नहीं करेंगे। मैंने जो भी मॉइस्चराइजर यूज किया है वो ये फेसेस कंपनी का ही हाइड्रो फेस मॉइस्चराइजर यूज किया है। उसके बाद हम अपने फेस को प्राइम करेंगे। प्राइम करने के लिए आप कोई भी जो भी प्राइमर आप यूज करते हैं वो कर सकते हैं। मैं जो आज प्राइमर यूज कर रही हूँ ये पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल को मैं एज अ प्राइमर आज यूज करूंगी। इसकी हम बहुत कम क्वांटिटी लेंगे, सिर्फ इतना। इसको पूरा प्रेस करते हुए अपने फेस पे हम लगाएंगे। ये मैंने प्राइमर को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद में एज अ फेशियल ऑयल मैं ये बादाम ऑयल यूज करूंगी। बहुत फ्यू ड्रॉप्स लूंगी इसके, 2 या 3 ड्रॉप्स लूंगी मैं इसके। उसको मैं एज अ फेशियल ऑयल अपने फेस पे लगाऊंगी, जिससे हमारा मेकअप जो है बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और फाउंडेशन वगैरह जो भी हम बेस लगा रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ रहेगा। इसलिए ये बहुत हल्का सा कुछ बूंदे मैंने लिया है इसका और इसको इस तरीके से करके पूरे फेस पे ये इसको लगाने के कुछ ही देर में पूरा स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। ये कुछ सेकंड्स लेता है ये अब्सॉर्ब होने में। ये जो मैंने यूज किया ये 100% प्योर बादाम ऑयल हमें अपने फेस पे यूज करना है। उसके बाद मैं कलर बार का ट्रिपल इफेक्ट मेकअप यूज कर रही हूँ। 004 कैफे शेड है इसका। इसको मैं एज अ बेस अपने फेस पे लगाऊंगी। इसमें एप्लीकेटर इन्होंने साथ में दिया हुआ है। ये फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट और कंसीलर तीनों का काम करता है ये हमारा सिंगल बेस ही। इसको प्रेस करते हुए लगाएंगे अपने फेस पे। ईयर और नेक को जरूर कवर करेंगे। अपना बेस सेट करने के बाद में फिर मैं आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये मेबेलिन का न्यूड पैलेट से हम बिल्कुल लाइट शेड लेंगे। इसके लिए मैं ये वाला शेड लूंगी, थर्ड वाला। इसको हम नीचे बेस पे देंगे। इसको हम ऐसे ट्रांजिशन शेड लगाएंगे जिससे हमारा आई शेडो का एप्लीकेशन बहुत इजी होगा। उसके बाद आईज को थोड़ा स्मोकी और ग्लिटरी लुक देने के लिए मैं ये एक्वा ब्लू पेंसिल यूज कर रही हूँ आईज के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा थिक और रफ लगाएंगे। अभी हम इसको स्मज करेंगे। आप ब्लू कलर की कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा थिक और रफ लगाने के बाद में फिर हम अपने फिंगर से इसको स्मज कर लेंगे। फिर हम तो न्यूड पैलेट से ही ब्लैक कलर लेंगे और आईज के साइड में प्लेस करेंगे, थोड़ा सा आईज को अपलिफ्ट दिखाने के लिए साइड में प्लेस करेंगे और इसको सेंटर में ले जाते हुए मर्ज करेंगे। साइड में हल्का सा ब्लैक कलर देने के बाद में फिर ये इन कलर इटली पैलेट से मैं लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ ये, इसको हम अपने आईलिड्स के ऊपर प्लेस करेंगे।
फिर हम एक फ्लफी ब्रश से सारी आई शेडो को आराम से सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं ये फेसेस कंपनी का इंटेंस जेल काजल लूंगी। इसी काजल को मैं एज आईलाइनर भी लगाऊंगी और इसको आईज के अंदर भी लगाएंगे। फिर हमने जो स्टार्टिंग में एक्वा ब्लू पेंसिल ली थी उसको हम आईज के नीचे भी लगाएंगे। और फिर इन कलर इटली पैलेट से जो हमने ग्रीन कलर लिया था, लाइट ग्रीन कलर, उसको भी हम अपनी आईज के नीचे लगाएंगे बहुत छोटे से एंगुलर ब्रश से। और फिर इनको स्मजर से स्मज कर लेंगे। फिर हम अपने आईब्रोज को क्लीन करेंगे ब्रश से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बेस है वो सब आईब्रोज से हट जाए। और ये कॉम से फिर इसको कॉम कर लेंगे। उसके बाद में आईब्रोज को फिल करने के लिए ये द न्यूड पैलेट से ब्राउन शेड ले रही हूँ, ये वाला डार्क ब्राउन। इसको छोटा सा एंगुलर ब्रश लिया, उससे इसको फिल करेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए हम हमेशा बीच में से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए, फिर धीरे धीरे करते हुए आगे आएंगे। फिर मैं ये हाइलाइटर लूंगी और इसको अपने आईज के इनर कॉर्नर पे और ब्रो बोन के नीचे लगाएंगे। इसको आईब्रोज को अपना और ज्यादा डिफाइन करने के लिए उसके बाद हम लिप लाइनर लगाएंगे। कलर सेंसेशनल का 540 नंबर है। पूरे अपने लिप्स पे फिल करने के बाद लिप लाइनर को फिर हम लिपस्टिक लगाएंगे। ये नोट कंपनी की किस ब्लॉसम 306 नंबर है। उसके बाद हम कंटूर करेंगे वी कलर बार का फ्लॉलेस टच कंटूर एंड हाइलाइटर किट। इसमें से कंटूरिंग ब्रश लेके उससे हम नोज के लिए हमेशा बहुत फाइन ब्रश लेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मर्ज कर लेंगे।
फिर हम इसी किट से हल्का सा हाइलाइटर लेके अपने नोज पे हाईलाइट करेंगे। फिर हम ये कलर बार का ही एवरीथिंग रोजी ब्रश लेंगे और अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा मेकअप रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और जो लोग भी पहली बार रॉयल स्टाइल पे आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रॉयल स्टाइल फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।